योगा इंडिया में ही नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी में भी बहुत फेमस हो चुका है। योगा सिर्फ एक फिट रहने का तरीका नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। सूर्य नमस्कार और सन सल्यूटेशन सबसे फेमस फ्लोज में से एक है, पर क्या आप जानते हैं उसके पीछे की माइथोलॉजी? जो लोग नहीं जानते, हनुमान रामायण के एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी वानर सेना के साथ राम भगवान की सीता माता को ढूंढने में बहुत मदद की थी। अपनी वानर सेना के साथ जिसके वो लीडर थे, उन्होंने राम सेतु बनवाया। हनुमान कोई मामूली वानर नहीं थे। बचपन से ही उन्हें सब कुछ जानने का बहुत मन करता था। वो दुनिया के बारे में सब जानना चाहते थे। बचपन में एक बार सूरज को देखकर वो खुद उनके खाने के लिए उनके पास जाने लग गए, एक फल समझकर। उन्होंने जब अपनी माँ को अपनी इच्छा बताई कि वो सब कुछ जानना चाहते हैं, तो उन्हें उनकी माँ ने सूर्य देवता के पास जाने के लिए कहा कि वो तो आसमान में है, सब देखते हैं, उनके पास जाना चाहिए। हनुमान जब सूर्य देवता के पास गए, तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया, यह कहकर कि उनके पास हनुमान को सिखाने के लिए समय नहीं है। दिन भर वो चलते हैं और रात भर आराम करते हैं। हनुमान ने इसका उपाय निकाला और बोले कि वो सूर्य देवता के रथ के आगे चलते रहेंगे, सो वो उन्हें चलते चलते सब कुछ सिखा सकते हैं और उन्हें दुनिया के बारे में जितना जो कुछ भी देखा समझा वो बता सकते हैं। सूर्य देवता ने उन्हें वार्न किया कि वो जल जाएंगे, इतने पास उनके उन्हें नहीं आना चाहिए, बहुत तकलीफ होगी, हनुमान नहीं सह पाएंगे। लेकिन हनुमान नहीं माने। उन्होंने कहा कि बिना तकलीफ के, बिना सफरिंग के इंसान को कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हनुमान की यह दृढ़ निष्ठा को देखकर सूर्य देवता प्रसन्न हो गए और उन्हें सिखाने लग गए। हनुमान उन्हीं से सब कुछ सीखे और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। एक साधारण हनुमान से वह दिव्य हनुमान बन गए और अपने गुरु सूर्य देवता का शुक्रिया उन्होंने सूर्य नमस्कार करके किया। और ये थी माइथोलॉजी सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार को करने के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि वेट लॉस, मसल्स और जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होता है, इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटर फंक्शन होने लगता है, इंसोम्निया को लड़ने में भी मदद होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर होते हैं, अगर आपके फ्रोजन शोल्डर है तो उसमें भी आपका यूज़फुल रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड एब्डोमिनल मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं, पूरी बॉडी टोन हो जाती है, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, शुगर लेवल्स रिड्यूस होता है, नर्वस सिस्टम का बैलेंस इम्प्रूव होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन भी रिड्यूस करता है, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है और बॉडी के दोनों साइड में बैलेंस अच्छे से बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।